तो यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छी होंगे और मजे करोगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो पर मैं लाइक एम कर रहा हूँ पूरे के पूरे 5000 लाइक्स का। आई होप कि आप सभी लोग गाइस यहाँ पर कंप्लीट करवा दोगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं आपके कॉमेंट्स की। तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने बोला कि आरिश भाई जीमी को यहाँ पर जो है आप लिबर्टी सिटी लेकर जाओ, लिबर्टी सिटी लेकर जाओ, लिबर्टी सिटी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। बट गाइस जिमी जो है भाई लिबर्टी सिटी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। जिमी का वहाँ पे दिल ही नहीं लगेगा। जिमी खुद मेरे को कह रहा था उसका वहाँ पे दिल नहीं लगेगा। दोस्तों जिमी का दिल नहीं लगेगा, मैंने भी उससे बातचीत भी की थी। अभी हमने यहाँ पे पेट्रोल डलवा लिया, ये पार्ट टू है हमारी ट्रिप का दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने इससे पूछा कि भाई बता जिमी वहाँ पर चलना है, तो बोल लिबर्टी सिटी चलना है, वाई सिटी चलना है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं पापा जी मुझे नहीं जाना है, हम सिर्फ यहाँ पर मनाली ही घूम कर आएंगे। तो मैंने फिर इसको बोला ठीक है भाई मनाली घूमने चलते हैं। क्यों गाइस, देखो भाई बच्चों की बात तो दोस्तों यहाँ पर माननी पड़ती है ना। जिमी तेरी बकवास फिर स्टार्ट हो गई, मैंने तुझे कहा था ना। नहीं 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 गाइस, नहीं मैंने नहीं कहा था, ये खुद ही कह रहा था। जिमी बेटा अब पहले तो देखो, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे थे, अब यहाँ पर सच बोलो। हाँ तुम नहीं जाना चाहते हो ना जिमी, तुम नहीं जाना चाहते हो ना। दोस्तों जिमी खुद नहीं जाना चाहता है, समझ गया है ना जिमी, तुम नहीं जाना चाहते हो ना बेटा। तो गाइस जिमी यहाँ पर खुद नहीं जाना चाहता है, झूठ बोल रहा है। ऐसी आप जिमी की बातों को यहाँ पर इग्नोर करो, ठीक है ना। ये भाई जिमी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। अभी देखो अमेंडा वगैरह भी यहाँ पर सबके खड़ी है भाई, चाहे तुम अमेंडा से पूछ लो, ट्रेसी से पूछ लो, जिमी दोस्तों नहीं जाना चाहता है। ना ही वो लिबर्टी सिटी जाना चाहता है, ना ही वो वाई सिटी जाना चाहता है। अब देखो दोस्तों घूमना तो घूमना होता है, वहाँ पर इतने जाकर पैसे खर्च होंगे, उससे बढ़िया हम यहाँ पर मस्त माउंट चिलियार्ड पर घूम कर आते हैं, ट्रिप वगैरह पर चलते हैं, है ना दोस्तों। हम वहाँ पर इतनी दूर जाकर फालतू में इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए दोस्तों ऐसे फालतू की ट्रिप वगैरह पर, समझ गए ना आप सभी। हैं जिमी बेटा समझ गया ना, ऐसे नहीं किया करते बेटा। हाँ माइकल, अब तो तुम बोलोगे ही ना। यहाँ पर मेरा बेचा तो कह रहा था कि मुझे मम्मी जी प्लीज़ घुमा कर लेकर आओ, वहाँ पर मैं होती ना तो मैं अपने कोच के साथ ही लेकर चलती बेटा तुझे। बट ये तेरा जो बाप है ना, इसके बस का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तेरे बाप के बस का यहाँ पर कुछ नहीं है। ये बिल्कुल कंगाल आदमी है। यहाँ पर ही बस ना हमें इस फोर्ड सडी सी फोर्ड एंडेवर के अंदर ना बस ये लॉस सैंटोस में ही घुमा सकता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलना, मैं ना तुझे अपने कोच के साथ लेकर चलूँगी। या फिर वो जो नमस्ते करते हैं ना आकर, वो जो मुझे योगा सिखाते हैं, मैं उनके साथ लेकर चलूँगी तुझे। या फिर फ्रैंक क्लिन के साथ चलेंगे ना हम बेटा। ये तेरे बाप के बस का ना बेटा कुछ नहीं है, तू चुप हो जा। कोई बात नहीं, हम ना अभी यहीं पर घूम कर आते हैं, बाद में चलेंगे, है ना बेटा। अच्छा बच्चे यहाँ पर जिद नहीं किया करते, ठीक है मेरा बच्चा। आजा चल 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 रहे हैं। अपने बाप से मत बोला कर, तुझे यहाँ पर जो भी कुछ पूछना होता है ना, फिर जो भी चीज़ें मांगनी होती हैं, या तो उन अंकल से मांग लिया कर, कोच वाले अंकल से, या फिर योगा वाले अंकल से, या फिर एक दो अंकल तेरे और हैं उनसे, या फिर फ्रैंकलिन अंकल से मांग लिया कर। तू अपने बाप से मत मांगा कर। ऐसे अमांडा हर बात का ना एक वक्त होता है, ठीक है। अब ना मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है, अब बिल्कुल भी फालतू मत बोलो। कैसे बहुत ज़्यादा फालतू बोलने लग गई, तुम्हारा बहुत फालतू बोलना ही तो मुझे पसंद नहीं है। बहुत फालतू बोलना मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। यार मैं अमेंडा को आज ना तोड़ दूंगा, ये देखो लड़ने आ रही है। हाँ क्या चाहती है तू, चाहती क्या है तू, चाहती क्या है फालतू में, मैं तुझे बजा बजू दूंगा, यहाँ से निकल ले, बच्चों के सामने लड़ाई हो जाएगी, चली जा चली जा चली जा यहाँ से। दोस्तों से नीचे पटक के मार दूंगा मैं, पटक माइकल इसको नीचे। ये बहुत ज़्यादा बोलने लग गई ना, इसके एक दो जब तक लाती नहीं पड़ेंगी ना दोस्तों, सीधी नहीं होने वाली। यहाँ बोल क्या बोल रही है, आनी तो दिमाग खराब कर रखा है दोस्तों, ज़्यादा ही बोलती रहती है, अब रोती रहेगी। आई बड़ी
भाई अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बर्दाश्त कर रहा हूँ तो फिर बस बोले जा रही है। मैंने भी गिरा गिरा के मारा। आई बड़ी, इतना भी भाई वो नहीं करना चाहिए दोस्तों किसी को बेइज्जत कि अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल ही उनको बोल रही है कि मेरा बच्चा दोस्तों भीख मांगेगा सामने वाले आदमियों से। इतना भी गिरा हुआ नहीं है जी, मैं समझ गई तू जो भीख मंगवाएगी तू। एक तो दोस्तों ट्रिप पे निकलती है, फाइटिंग पहले स्टार्ट हो जाती है यार यहाँ पर। एक तो अपना परिवार बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों फाइट वाला ही है। बस यार मैं क्या ही बोलूँ, इसीलिए तो यार मैं ऐसी ऐसी जगह इनके साथ आता भी नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता दोस्तों आने का। हाँ जी मैं केयरफुली चला रहा हूँ मैं, बाकी तेरी माँ अगर चलाने दे तब ना। छोड़ अब क्या ही बोलूँ यार मैं इसको, अमेंडा को, मेरा बोलने का इसको कुछ मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। मेरा बोलने का दोस्तों इसके साथ बिल्कुल भी मन नहीं करता आजकल तो। अपना अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए भाई। फालतू में ही मैं भाई कुछ भी कर रहा हूँ, बस फालतू बोलने से मतलब है। चलो तो गाइज अभी हम जो है आगे रुकेंगे, ठीक है ना। ये मार्टिन मद्रासों का घर गया है ट्रिप पर। ओके, ओहो भाई मुझे छींक आ रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं गाड़ी ठोक ना दूँ दोस्तों कहीं पर, बट मैं काफ़ी अपनी गाड़ी को देखो यहाँ पर ना बहुत आराम से और प्यार से चलाने की कोशिश करो। मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि भाई मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चलो, यहाँ से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हूँ मैं गाड़ी को लेकर, है ना। चलो क्या बात है, एकदम मज़ा आ रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा। चलो सही है, क्या बात है। बाकी गाइज मैं ना अगले वाले कट से यहाँ पर जो है राइट होऊंगा और इस वाले मोड़ ऊपर मोड़ से हमें जो है गाइज ऊपर को जाना है, ठीक है ना। चलो चलिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक छोटा सा डेयरी फार्म है, वहाँ पर होते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आज ही चलते हैं। अरे यार ये वाला रास्ता नहीं, मेरे ख्याल से दोस्तों पीछे वाला रास्ता जाता है। चलो अरे आराम से भाई, गाड़ी तो देख लो भाई कैसे चल। तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगी ना तो हर चीज़ यहाँ पर ठीक रहेगी, ठीक है। तुम चुप रहना। भाई बड़ी दोबारा बोल रही है, तो गाइस बोल रही है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों मारा ये बहुत कि, तो भाई मैं मारूंगा, ठीक है ना। अगर मुझसे फालतू भाषा में बात करेगी ना तो भाई मैं मारूंगा भी और पीटूंगा भी, है ना। क्यों भाई मैं किसी के इसके बाप की दी हुई रोटी थोड़ी ना खा रहा हूँ। भाई बड़ी ज़्यादा ही बोले जा रही है। अगर भाई मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा तो इतना भी नहीं बोलना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा दोस्त यहाँ पर बर्दाश्त भी करना चाहिए, पर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। आई बड़ी, चलो तो गाइस हम चलते हैं आराम आराम से, काफ़ी ज़्यादा प्यार से चलना है, आराम से चलो सही है। बाकी दोस्तों यार मैं सोच रहा था ना ये वाले जो, सॉरी एक मिनट सामने से आ रहे हैं। भाई इसने गाड़ी कहाँ पर चढ़ाई, गाइस आपने देखा भाई मेरी गाड़ी में मत ठोक दियो, क्या हो गया। तीन लोग बैठे हैं, एक लड़की है, एक बुड्ढा सा था एक वो। भाई लगता है दोस्तों इसको गाड़ी नहीं चढ़ानी आती है मेरे ख्याल से, तो ये लग रहा है मुझे। एक पीछे से आ गया, गाड़ी अंदर ले लेता हूँ पहले तो। ये बेसिकली किसी का मेरे ख्याल से फार्म है। अरे हम यहाँ पर रुक सकते हैं क्या सर? एक्सक्यूज़ मी सर, वैसे तो दोस्तों इजाज़त तो दे ही देगा, बाकी छोटी जगह है, यहाँ पर मुर्गियाँ भी हैं, देख रहे हो कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। है जी मैं बता, तेरा क्या कहना है, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए फिर नहीं। बाकी दोस्तों लोकेशन तो खैर अच्छी सी लग रही है यहाँ पर खैर रुकने के लिए इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट दोस्तों नॉर्मल सी तो है, हम एक दो घंटा रुक कर यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। बताओ दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, बता भाई जिमी तेरा इस बारे में क्या कहना है तू बता, कि अगर हमें यहाँ पर खाना है, बाकी खाने पीने का जो बंदोबस्त है अगर तुम लेकर आयो घर से, जो भी बर्गर वगैरह जो भी एक तू बना कर लेकर आया, फिर अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो यहाँ पर आगे एक रेस्टोरेंट है वो आ जाएगा, वहाँ से रेस्टोरेंट से लेकर आ जाते हैं दोस्तों, है ना। थोड़ा घर से बाहर आके देखो दोस्तों ऐसी लोकेशन पर मज़ा आता है खाना पीना खाने का। बाकी मैं इनसे पूछ लेता हूँ एक बार। आप बनाओ और मैं मस्त खाऊंगा और फिर आगे निकलेंगे,
है ना, मस्त बारबेक्यू करते हैं, फिर पहाड़ के ऊपर तो पता है फिर मुझे उल्टी वगैरह आती है, खाने पीने का बंदोबस्त बस वहाँ पर ऐसा ही होता है, तो यहीं पर खाकर चलते हैं अपना आराम से, है ना पापा जी? वहाँ पर क्या पता कुछ खाने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, है ना, यहीं पर खा लेते हैं मेरे ख्याल से तो। हाँ वैसे ठीक है जी, मैं कहता हूँ तू यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है, चल आ जा आ जाओ। चलो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सामान वगैरह, बाकी जी मैं एक काम करें, यहाँ पर तो वो मुर्गियाँ भाग रही थी ना, वही मुर्गी उतार ले दोस्तों। एक आधा चिकन मैं काट देता हूँ यहाँ पर, भाई चिकन काट के ना यहीं पर दोस्तों मस्त वो बनाते हैं, ठीक है ना? चलो रुक जाओ, थोड़ा रेसिपी वाला सामान ना इस वाले इसमें रख रखा होगा तुमने, रुक जाओ भाई रुक जाओ। हाँ भाई क्या हो गया बता भाई, चलो बताना ज़रा इसको। अरे मेरी फैमिली, मेरा बेटा जिमी मार देगा तुझे तो। हाँ जिमी बेटे, मौज कर दी ओ बेटे। हाँ नो 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 नो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, बस जिमी आ जा जिमी आ जा, बस गया वो गया, आ जा भाग गया वो जिमी, आ जा भाग गया, आ जाओ। चलो भाई फैमिली एकदम खतरनाक हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर जो है चिकन वगैरह यहीं से पकड़ लेंगे, बाकी बैग वगैरह में से थोड़े ना मसाले वगैरह तुम लोग निकाल लो, मैं इसकी अंगीठी उठा कर लाता हूँ। देखता हूँ दोस्तों आसपास यहाँ पर कुछ भट्टी वगैरह होगी तो उसी पे चिकन तंदूरी बनाकर खाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, तुम्हें पता है भाई फैमिली में कितनी सारी बातचीत यहाँ पर होती है। तो भाई इतनी सारी बातचीत यहाँ पर होने के बाद आखिरकार आया वही वाला फूड ना। तो गाइस यहाँ पर पीछे ही जाकर एक यहाँ पर चिकन बेल्स का जो है एक रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ से लेकर आ गया हूँ इन सभी के लिए। बाकी जिमी बेचारा उधर वहाँ पर खड़ा है, वो कह रहा था वो नहीं खाएगा। तो खैर गाइस मैंने तो अपना वाला मील यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और खैर मैं जो यहाँ पर जिमी को मुझे खैर दोस्त यहाँ पर मनाना होगा। चलो यार तुम देखो खाओ, ठीक है मैं उसको ज़रा यहाँ पर मना लूँ। तो यार एक तो जिमी दोस्त यहाँ पर मानता नहीं, उसको यहाँ पर चिकन खाना था, बट बेटा जिमी बाद में खा लेंगे चिकन, समझा करो ना जिमी। ओ जिमी मेरी तरफ तो देख, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, बाद में भी खा लेंगे चिकन, समझा करो ना, तू इतने उदास मत हुआ कर मेरे साथ, समझ गया? तू मेरा बहुत लक्की बेटा है, तो ऐसे उदास होगा ना तो तेरे पिताजी फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है, समझा कर, मेरा बाबू नहीं है। मैंने कहा ना जैसा तू बोलेगा वैसा ही करेंगे, ठीक है ना? आगे जाकर चिकन बनाएंगे, अभी वही खा ले, समझ गया? चलो पापा कोई बात नहीं, अब ले आए तो चलो मैं खा लेता हूँ, वैसे मैं आपका राजा बेटा हूँ ना, तो मैं आपकी बात मानूंगा पापा। बट पापा आगे चलने के बाद ना देखो मुझे ना यहाँ पर खिला देना, मेरा चिकन बर्गर खाने का मन कर रहा है। नहीं सॉरी, चिकन बर्गर तो आप ले आओ, मेरा ना तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा है। पहाड़ी के ऊपर बैठ कर खाएंगे तो कितना मजा आएगा ना पापा, बहुत मजा आएगा ना पापा। तो चलो पापा कोई बात नहीं, अभी तो मैं खा लेता हूँ ये, फिर उसके बाद हम आगे जाके खाएंगे, ठीक है पापा? हाँ मेरे लाल, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना तुझे कि इसी बात पर तो यार, हाँ आगे जाकर मैं तुझे बना कर दूंगा, चल इसी बात पर अपने बाप को ताली दे। ओहो क्या बात है, मेरा बेटा, प्यारा बेटा है दोस्तों मेरा। चलो फटाफट यार अब चलो चल रहे जल्दी से, आजा जिमी चल फटाफट, जल्दी आजा फटाफट खा ले बेटा जिमी, जल्दी आजा। तो गाइज जल्दी से भी ये बर्गर वर्गर यहाँ पर ख़त्म कर ले, ठीक है ना? आजा जिमी जल्दी से यार, अभी भी उधर ही खड़ा है, तो एक बार दोस्त से खा पी ले। बाकी हमें भी यहाँ से निकलना है दोस्तों, और हम यहाँ से जो है निकल कर जाएंगे। खैर अभी आगे जाना जो है देख लूँगा मैं, ठीक रहेगा, फिर हम सैंडी शोर्स में जो है स्टे करने वाले हैं, क्यों मैंडा? सैंडी शोर्स में स्टे कर लेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे, है ना? अभी तो एकदम से आगे जाना ना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, है ना दोस्तों? तो मैं भी यही कह रहा हूँ इनको, अभी यहाँ पर स्टे करेंगे, बाकी कल आगे निकल जाएंगे। चलो खैर कोई नहीं, आ जा बेटा जिमी, खा ले जल्दी, खा ले मेरे बेटे जल्दी खा ले। अपने पापा को हाई फाई तो करके दिखाओ, देखो दोस्तों यहाँ पर जिमी कितनी मस्त हाई फाई करता है, जिमी करके दिखाओ हाई फाई। हाँ हाँ मेरा बेटा जिमी, प्यारा बेटा जिमी है दोस्तों। चल आ जा फटाफट ना बेटा, खा ले जल्दी आ, फटाफट खा ले, देखते लिए सब कुछ बर्गर बर्गर रखा है, फटाफट आ जा फटाफट खाते हैं। अरे चलो वो बैग तो मैं निकाल लूंगा, और बैठो तुम गाड़ी के अंदर बैठो, चलो मैंडा तू पीछे बैठ। आए बड़ी ये कोई जाके बैठने को बोल रही है, अब ना थोड़ी सीधी हो गई है यहाँ पर, जब से मैंने इसको बजाया ना इस पर तब से थोड़ी सीधी हो गई है, वरना तो भाई तुम्हें पता है भाई फिर तुम्हारा भाई तोड़ता भी ऐसे ही।
अब जब तक भाई देखो मैं प्यार से पेश आ रहा था, देखो मैं प्यार से पेश आ रहा था भाई, बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी यहाँ पर चला गया और ये बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, पर भाई दिमाग की दही बना रखी है। खैर दोस्तों वाला जो फार्म हाउस है ना सेल के लिए है यहाँ पर, चलो खैर कोई बात नहीं, देखी जाएगी इसके बारे में बाद में देखेंगे। अब तो चलो जल्दी जल्दी हमें चलते हैं यहाँ से अपना आराम आराम से। चलिए बढ़िया, मज़ा आ रहा है वैसे दोस्तों गाड़ी चलाने में, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया चल रही है अपनी गाड़ी, क्या बात है, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस कौन मनी चुरा कर भाग गया। लगता है भाई यहाँ पर कुछ चोरी वोरी हो गई है, रुक जाओ हमारी गाड़ी में खूक है जिससे हम इसको रोक सकते हैं। पर भाई मैं फालतू से पंगे लेना भी नहीं चाहता भाई, ये बाइकर गैंग्स वाले लग रहे हैं। खैर दोस्तों मेरे साथ ना इस टाइम भाई मेरी पूरी की पूरी फैमिली है, तो भाई मैं ऐसा कोई पंगा यहाँ पर लेना भी नहीं चाहता, छोड़ो ना फालतू में भाई, किसी के पैसे लेकर भागा तो भाई वो खुद समझे यहाँ, अभी मैं फैमिली के साथ हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे कि भाई मेरी फैमिली को दोस्तों यहाँ पर ठेस पहुँचे, ठीक है ना। चलिए बाकी दोस्तों यहाँ पर चलते हैं एक बार, मैं गाड़ी को यहीं पर पार्किंग में लगा देता हूँ, फैमिली के साथ वेकेशन पे तो हैं दोस्तों है ना। बाकी भाई गाड़ी को लॉक कर दो सारे के सारे, चलो आ जाओ। तो गाइज मैं फ्लिका बैंक यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि अभी मेरे पास आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊँ पैसे नहीं है बिल्कुल भी भाई, मुझे थोड़े से पैसे निकलवाने हैं एटीएम से। मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास है इस टाइम, अगर यहाँ पर कोई कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप होगी ना, हाँ ये रही ये रही ये रही, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास पैसे, देखना कितने मेरे पास हैं दोस्तों, 4800 रुपये आप ऊपर देख पा रहे होंगे वहाँ पर 4800 रुपये। तो गाइस मुझे यहाँ पर कम से कम $50,000 तो मेरे पास होने चाहिए ना, $4800 हैं क्योंकि भाई यहाँ पर वो हो सकता है ना कैश का, ठीक है तो मैं $50,000 कम से कम यहाँ पर निकाल लेता हूँ एटीएम से, नहीं मुझे बैंक से निकलवाने पड़ेंगे, एटीएम से तो निकलेंगे नहीं। अरे कितना टाइम लग रहा है भैया, कितना टाइम लग रहा है सर जी, जल्दी निकलवा दो यार। और राइट गाइस आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरे पास अब जो हैं 50,448 5448 हो चुके हैं मेरे पास, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 54,813 सही है। चलो बाकी ये लोग तुम लोग भी पी लिया करो यहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बाकी मैं पीता रहता हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ पर अमेंडा को थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है, इसको भाई शॉपिंग वगैरह करा देते हैं, कपड़े वगैरह इन सबको चेंज करने हैं, जिमी भी कह रहा है इसको भी कपड़े चेंज करने हैं, कोई बात नहीं आ जाओ भाई। चलो ट्रेसी तू भी कर ले, सब चेंज कर लो, थोड़ा गर्मी का माहौल है ना तो थोड़े अच्छे से कपड़े यहाँ पर पहन लेंगे तो अच्छे लगेंगे। हाँ मैडम जी क्या हाल है, तो ज़रा फैमिली के लिए कपड़े दिखाना, थोड़े से जैकेटें वगैरह अच्छी लग रही हैं तू पता जिमी, सूट वगैरह अच्छा लग रहा है। बाकी तुम लोगों को जो जो यहाँ पर लेना है ना ले लो, मैं तो इन्हीं कपड़ों में जाऊँगा, मैं तो बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। बाकी तुम्हें जो जो यहाँ पर लेना है तुम वो ले लो, ठीक है मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ बिलिंग काउंटर पर, जल्दी से लेकर आ जाओ जो जो लेना है तुम्हें फटाफट लो। और मैडम जी क्या हाल है, डिस्काउंट दे देना मुझे थोड़ा सा। अरे मैम थैंक यू। बाकी यार तुम घर वाले बिल्कुल ये कर लो, बाकी आप सब लोग यहाँ पर देखो गर्मी है तो भाई जिमी ने ये पहन लिया है शॉर्ट्स, अमेंडा ने कुछ जीन्स वगैरह है, बाकी ट्रेसी तो भाई तुम्हें पता है यहाँ पर किस टाइप के कपड़े पहनती है। खैर भाई बच्ची है यार मैं क्या ही बोलूँ यार इसको, अब मैं इसको बोलने लग गया ना फिर बोलेगी मेरे ऊपर हाँ आस्था, बाकी वो आस्था का मीनिंग गाइस यहाँ पर बाय होता है, बाकी भाई अगर मैं बोलूँगा तो फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोलेगी है ना। आ जाओ बैठो। चलो तो गाइस ये छोटा सा स्टॉप लिया था हमने यहाँ पर, तो गाइस ये हमारा जो है कल हम लॉस सैंटोस से निकले थे, आज ये जो बेसिकली आज हमारा पहला ही दिन है अगर वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो, कल तो बहुत टाइम हो गया था तो कल हम निकल ही रहे थे, आज हमारा ट्रिप का फर्स्ट डे है। तो गाइस आज फर्स्ट डे में हम जो है यहीं तक पहुँचे हैं, अभी बेसिकली जो है रात होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ हमें सबसे पहले ना होटल ले लेना चाहिए यहाँ पर कोई ना कोई सा, तो एक मिनट पहले ना इस बार इधर चलते हैं, गाड़ी ले जाने का वो है क्या वैकेंसी तो यहीं पर है। पर दोस्तों ये वाला होटल ना मुझे इतना ज़्यादा थोड़ा सा खास यहाँ पर लग नहीं रहा है, अब खैर जैसा भी है देखो दोस्तों मैनेज तो करना पड़ेगा ही ना। चलिए कोई बात नहीं आ जाओ सारे के सारे तुम लोग,
सबके सब आ जाओ। बाकी दोस्तों मैं यहीं पर बात करता हूँ, आइए चल बात करते हैं चलकर। एक बार मैं बात कर लेता हूँ ना कितने में यहाँ पर होटल का हिसाब किताब क्या है ना, एक बार चलिए चल के बात कर लेते हैं गाइस। अरे नहीं नहीं अमांडा वैसे है तो देख सही मेरे हिसाब से, देख रहे हो दोस्तों पर्दे भी सही हैं, बट यहाँ पर ना इस टाइम ना सीजन चल रहा है, तो दोस्तों गर्मियों में ना यहाँ पर सीजन चलता है, मैं आपको बता दूँ। तो भाई जब गर्मियों में सीजन चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। आगे वाला जो होटल है उसके रूम्स इतने ज़्यादा अच्छे दोस्तों यहाँ पर नहीं है, थोड़े एवरेज एवरेज ही हैं। तो अमांडा का ये कहना है यही ले लेते हैं बेसिकली गाइस। तो 8 नंबर ये कमरा है और कमरा कुछ इस टाइप का है, एसी वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो ऊपर एसी भी लगा हुआ है, प्लस इसका बाथरूम भी बस ठीक ठाक ही है। चल वो तो हो जाएगा, सफाई वगैरह करवा देंगे, बाकी वॉश बेसिन सही है, नहाने वाने का सही है दोस्तों। और इसका पर टैरिफ है, मतलब कि इसका जो चार्जेस हैं दोस्तों वो ये हैं, एक दिन का यहाँ पर जो बताया जा रहा है $150। तो अगर हम अभी चेक इन करते हैं तो सुबह 12 बजे चेकआउट करना होगा, बेसिकली आफ्टरनून ही हो जाता है तब तक, और डिनर वगैरह करने के लिए सब कुछ दोस्तों यहीं पर है। और शाम को एक फाउंटेन शो भी होता है यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छा होता है, मतलब फायर वॉक्स वगैरह जो कि आगे किए जाते हैं, होटल वाले ही दोस्तों यहाँ पर करवाते हैं। तो खैर सही है गाइज, बाकी मैं तो भाई अमांडा वगैरह को सबको ये कह रहा हूँ कि ये वाला रूम बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। देखो अमांडा और ट्रेसी भाई ज़मीन पर नहीं सो सकती हैं, तो ये दोनों यहाँ पर बेड पर सो जाएंगी, बाकी जिमी जो है जिमी और मैं दोस्तों यहाँ पर नीचे गद्दा डाल के यहाँ पर सो जाएंगे, ठीक है ना। तो गद्दा डाल के दोस्तों हम दोनों तो यहाँ पर नीचे सो जाएंगे और ये जो है वो दोस्तों ऊपर सो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी चलो मैं इसका जो पूरा कर देता हूँ, बाकी फिर दोस्तों यहाँ पर आपको शाम को मिलते हैं, ठीक है ना, जब फायरवर्क्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होंगे उसके बाद आपको दिखाऊंगा, है ना। चलो आ जाओ बाहर, चलो आ जाओ 8 नंबर में। अरे हाँ अमांडा वैसे तुम ठीक कह रही हो, हमने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सही किया। तो गाइज अमांडा कह रही है हमने वाला होटल चुन के बहुत ज्यादा सही किया, मैं आपको फायरवर्क शो दिखाऊँ। बाकी मैंने गाड़ी गाइज यहाँ पर खड़ी कर दी है और जहाँ पर ये ब्लू मार्क देख रहे हो दोस्तों, ये वाला हमारा कमरा है 8 नंबर का, ठीक है ना, और जो शो हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है। आ जाओ दूर से दिखाऊंगा गाइस मैं आपको, मैं सड़क पार लेकर चलता हूँ, खैर कोई गाड़ी वाड़ी ना आ रही हो, फैमिली आराम आराम से आ रही है, मुझे दोस्तों व्लॉग शूट करना है इसलिए भाई मैं दूर से दिखा रहा हूँ। बाकी भाई यार ये सीन देखो, क्या सीन है देख रहे हो भाई, क्या सीन है दोस्तों आसमान में देख रहे हो भाई, आसमान में कितना प्यारा दोस्तों यहाँ पर सीन हो रखा है, क्या बात है क्या बात है दोस्तों। आ जा अमांडा एक फ़ोटो खींचते हैं साथ में। तो गाइज अमांडा के साथ एक फ़ोटो तो हो जाए आज एज अ फैमिली उस पर। अमांडा बाकी तो यार अमांडा की फेस जो है इधर को ज़्यादा अच्छी लग रही है। अमांडा कैसा लग रहे हैं? तो गाइज काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया है अमांडा का और मेरा ऐसे वेकेशन के ऊपर। बाकी दोस्तों यार ये देखो कितना ज़्यादा ख़तरनाक दोस्तों यहाँ पर सीन हो रखा है ये वाला, मुझे दोस्तों यार ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी दोस्तों मुझे ये वाली चीज़। आपको कैसे लगी? हमारा यहाँ पर आना दोस्तों एकदम वर्थ रहा, ये होटल दोस्तों बहुत मस्त होटल है दोस्तों, प्लस यहाँ पर देख रहे हो कितना ज़्यादा सही दोस्तों यहाँ पर ये चल रहा है, फायरवर्क्स वगैरह देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा भयंकर दोस्तों यहाँ पर हो रखे हैं, एकदम मस्त है एकदम मस्त। क्यों अमांडा मज़ा आया ना? है जिमी तू बता बेटे मज़ा आया नहीं आया, है ना। तो गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइज ये था हमारे ट्रिप का हैशटैग फर्स्ट एपिसोड, आपको पसंद आया होगा। तो गाइज खैर जिमी का यही कहना है और मेरा भी, गाइज वहाँ पर लिबर्टी सिटी जाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे तो वहाँ पर इसलिए नहीं जाना है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या मुझे जाना चाहिए बाकी में दोस्तों नहीं जाना चाहिए, बाकी प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। कल हम यहीं से चेकआउट करके दोस्तों इसी होटल से आगे निकलेंगे, कल हम दोस्तों जाएंगे माउंट चिलियर्ड की ओर, और दुआ करो कि भाई हमारा माउंट चिलियर्ड का सफ़र बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया, फटाफट खाना खाते हैं दोस्तों, फिर रात को सोते हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम कंप्लीट करा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।